नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2018 की लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी। अब जैसे कि आप जानते हैं, 4 से 5 दिनों में आपके क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो ये जो बचे हुए समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूज़ कैसे किया जाए कि एक तो इम्पेशेंट ना हो, ज्यादा स्ट्रेस लेवल ना बढ़े, ऊपर से तैयारी भी और बेटर हो सके। ठीक है, तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है दोस्तों, 4 से 5 दिन ही बचे हैं, तो सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करनी है वो है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जितनी भी चीजें सीखनी थी, जितनी भी प्रैक्टिस करनी थी, वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब आखिरी के 3 4 दिनों में अगर आप एक्सपेक्ट करें कि अब कुछ नई चीज सीखेंगे या कोई ज्यादा चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो चीज हम सीख चुके हैं, जिस पे काम कर चुके हैं, अब उसको अच्छे से रिवाइज करें। अब रिवीजन में बहुत सारे पार्ट रहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका जीए का रिवीजन है। जीए का रिवीजन के कंटेंट का अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप मेक और ब्रेक कर सकते हैं, मतलब या तो सेलेक्ट हो सकते हैं या फिर जस्ट कुछ मार्क्स से रह सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्पेशल फोकस दीजिएगा। और जनरल अवेयरनेस में आप जानते हैं, करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी करनी बहुत जरूरी है, चाहे वो बैंकिंग फील्ड से हो, चाहे नॉर्मल आपके करंट अफेयर्स रहे। ठीक है, और आपको पता ही है करंट अफेयर्स लास्ट कितने मंथ के सही रहेंगे, 7 से 8 महीनों के करंट अफेयर्स आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, जिससे कि इससे जो भी सवाल पूछा जाए उसमें गलती ना हो। ठीक है, बहुत इजी स्कोरिंग रहता है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो इसमें हमें मिस नहीं करने हैं लास्ट 7 से 8 महीने के। कहीं से भी, जहां से भी आपने पढ़ा है, इसकी एडवाइस मैंने आपको सजेशंस पहले ही कई बार दे चुका हूं। ठीक है, वहां से आप अच्छे से अपना जो भी आपने कंटेंट तैयार किया है या मटेरियल जो भी आपने का जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स करा है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक, अब इसी के साथ कंसेप्ट्स का रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, मेंस में कभी भी आपको टाइम का प्रॉब्लम नहीं आएगा कि टाइम कम रह गया इसलिए सॉल्व नहीं आ पाया। जैसे कि प्री में जो मेन प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के साथ, वो टाइम की रहती है, पर मेन में ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। मेन में प्रॉब्लम रहती है कंसेप्ट्स। तो क्या करेंगे, आपके चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, या इवन इंग्लिश, इन सभी के जो कंसेप्ट्स है उनको एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे। आपने, मुझे पूरा यकीन है कि एक नोटबुक बना रखी होगी सारे सब्जेक्ट के लिए, जहां पर आप डिफरेंट कंसेप्ट्स लिख रखे होंगे, क्या क्या कंसेप्ट्स है, क्या डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, क्या डिफरेंट चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वांट में आपने सर्टेन नंबर्स तक टेबल्स याद कर रखे होंगे, स्क्वायर्स, क्यूब्स, जो चीजें छोटी छोटी चीजें रहती है, वो सब की सब रिवाइज करना जरूरी है। तो जनरल अवेयरनेस और क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के कंसेप्ट्स को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब रिवीजन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है मॉक टेस्ट। इसके बारे में खूब स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कमेंट में कि सर अब कितने मॉक टेस्ट दिए जाएं, क्या मैं मॉक टेस्ट दूं और क्या किया जाए। तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि मान, जैसे आज ट्यूसडे है आपका, आज ट्यूसडे है और संडे को आपका एग्जाम है, तो बीच में एक तो ट्यूसडे बचता है आपके पास, वेनेसडे बचता है, थर्सडे है और फ्राइडे। ये जो 4 दिन है, इन 4ों दिन आप क्या करेंगे, एक एक मॉक टेस्ट देंगे, एक एक मॉक टेस्ट देंगे अच्छे से 4ों दिन। और सैटरडे को क्या करना है, सैटरडे को आपको रिलैक्स करना है, सैटरडे को नॉर्मल बस हल्का फुल्का रिविजन करते रहिए, चाहे जीए का करें, चाहे करंट अफेयर्स का करें, चाहे जीए का करें, चाहे करंट अफेयर्स का करें। इस दिन आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, इस दिन सिर्फ रिवीजन करना है और बाकी रिलैक्स करना है। पर ये जो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को एक एक मॉक टेस्ट रोजाना देने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहले से आप मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हैं, मुझे पता है काफी समय से देते आ रहे हैं। अब मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ना दीजिए, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में देके टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब उतना फायदा रहेगा नहीं। अब आप नॉर्मल एक एक, जिससे कि एक फ्लो बना रहे टेस्ट का, और जब आपका जिस दिन एग्जाम हो, एक रूटीन के अंदर आप टेस्ट दे पाए इस कारण। ठीक है, तो मॉक टेस्ट रोजाना एक ही देना है और सैटरडे को हमें क्या लेना है, ऑफ लेना है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आप क्या क्या रहेगा, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुनिएगा। हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, एग्जाम को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए जिससे कि मैक्सिमम स्कोर हम कर पाए।
तो सर इसके लिए हमने एक अलग वीडियो आपके लिए, जो इस वीडियो के एंड में शो करेगा, वो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, अपलोड कर रखा है, उसको जरूर एग्जाम देने से पहले देख के जाइएगा। बहुत जरूरी, बहुत अच्छा वीडियो है। उसके अंदर हमने क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए बता रखा है कि किस ऑर्डर में, किस तरीके से और किस स्ट्रेटेजी से एग्जाम को अप्रोच करना है, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उस वीडियो से एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। अब मेंस में टाइम का इशू तो रहता नहीं, तो जब भी जैसे सर आपके पास क्वांट का पेपर है, तो क्वांट का पेपर आते ही ये नहीं कि स्टार्ट कर देना, अब आपके पास समय है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट आप लेंगे एक बार पेपर को लुक थ्रू करने के लिए, मतलब ऊपर ऊपर से सिर्फ देखने के लिए कि सर कौन से टॉपिक से कौन कौन से सवाल आए। अब आपको पता है कि कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स है, जो उस वीडियो में भी हमने आपको बता रखे हैं, उन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए मेंटली या फिर नोट कर लीजिए रफ में कि इस नंबर पे ये क्वेश्चंस आए थे। तो आपके पास एक ऑर्डर आ जाएगा कि हाँ मुझे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है, फिर फिफ्थ पे जाना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना डिफरेंट क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा टाइम देके, ये करने की इससे टाइम की तो इतनी इश्यू नहीं रहती, पर जो मेन इशू रहता है वो एनर्जी का है। आपका एनर्जी लो हो जाती है, मोटिवेशन लो हो जाता है अगर आपका कोई बड़ा सवाल लेके आप फंस जाए उसके अंदर। तो इसके बजाय ऑर्डरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी देना कि कौन से क्वेश्चन पहले करना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है, इस वीडियो के एंड में वो शो करेगा, उस पर क्लिक कीजिए और एक बार ऑर्डर जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स का आप खास ध्यान रखेंगे, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है, वो है स्ट्रेस का, कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। माना मैंने कि क्लर्क मीन्स आपका क्लर्क की इस सीरीज में आखिरी पेपर रहेगा, मतलब अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया, अगर ये पेपर सॉरी क्लियर कर लिया, तो आगे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना जीडी रहेगा ना इंटरव्यू रहेगा, सीधा सिलेक्शन होता है। तो ये एक बात तो दिमाग में हमेशा रहती रहती है, तो इस बात को आप नेगेटिव के तौर पे मत लीजिए, इसको पॉजिटिव के तौर पे लीजिए कि अगर आप अपना 100% दे देते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं, एग्जाम में पूरी एफिशिएंसी से कर लेते हैं, तो आगे शायद जिंदगी भर आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंस क्लियर किया तो जॉब सीधा सीधा लग जाएगा। ठीक है, इसको आप पॉजिटिव की तरह लीजिए, नेगेटिव की तरह नहीं। और एक बात और सोचिए कि अगर आपका एग्जाम में क्लियर ना हो तो क्या हो गया, कोई ऐसा तो ना लाइफ खत्म हो जाएगी। अभी कुछ ही समय में आपके बहुत सारे नोटिफिकेशन आने हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि इस साल नोटिफिकेशन ज्यादा आएंगे और जल्दी जल्दी आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ ही समय में एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर क्लर्क का भी निकलेगा, आईबीपीएस का भी कैलेंडर रिलीज होने वाला है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होना भी बाकी है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं, इस तरह से कभी नहीं सोचना है, खुद को डीमोटिवेट नहीं, हमेशा मोटिवेट करके रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि किसी भी सिचुएशन से क्या क्या पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं। जैसे इस सिचुएशन से क्या रखना है कि स्ट्रेस लेने की हमें कहीं जरूरत ही नहीं, बस हमें अपनी तरफ से पूरा 100% देना है, और अगर हमने अपने 100% दिया तो हमारी लाइफ सेट है। अब इसकी दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरा क्या कंडीशन, सॉरी दूसरा इसका क्या सिनेरियो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। अब सिलेक्शन ना हो तो परेशान होने की कहीं जरूरत ही नहीं है सर, मेंस तक अगर आप पहुंचे हैं तो इसका मतलब आपकी सर्टेन लेवल पे तैयारी है। और आपको एक चीज मैंने और बताई है कि इस साल वैकेंसीज खूब आएगी, वैकेंसीज अच्छी आएगी, नोटिफिकेशन बहुत सारी निकलेगी, तो इसमें नहीं हुआ तो आगे हो सकता है इससे भी बेटर एसबीआई या और डिफरेंट एग्जाम्स है उनमें किसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है और पेपर में अपना 100% देना है। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी एडवाइस आपको चाहिए तो मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। आप सभी को 20 जनवरी का जो संडे का आपका एग्जाम है, वो सभी को उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अपना 100% दीजिएगा। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।